व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड 14 के अपडेट के बारे में, और जो मैं आप लोगों को ये सेटअप है, होम स्क्रीन सेटअप है, वो बताने वाला हूँ। वो आप लोग अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यार उसके लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना। वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में अगर इस टाइप का सेटअप आएगा तो वो आप लोग यहाँ पर मिस नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का है, ओप्पो सिस्टम एप अपडेट। यहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन के लिंक्स मिल जाएंगे, सो जिनको आप लोगों को डाउनलोड करना है वो आपको कर लेना है। बस इतना काम हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों को अपना जो फाइल मैनेजर है उसको यहाँ पर ओपन करना है, और सबसे पहले जिन एप्लीकेशन को मैंने आपको बताया ना, उनको आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करते जाना है। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पर कंप्लीट, आप लोगों को अपना जो ऐप ड्रॉवर है उसको ओपन करना है, और जो आप लोगों को मैंने लॉन्चर वाली एप्लीकेशन बताई थी उसको यहाँ पर सर्च करना है। तो गाइस, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप लोगों को अपनी जो सेटिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, होम ऐप का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो डिफॉल्ट आप लोगों का ये वाली जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो चुकी है। सेकंड वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए होम स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है, होम सेटिंग को ओपन करना है, और आपको यहाँ पर जनरल का ऑप्शन मिलेगा, आइकन स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, अलो करना है, और आपको यहाँ पर लॉन्चर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, ताकि यहाँ पर एंड्रॉइड 14 के आप लोगों के जो यहाँ पर आइकन पैक है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए, और थीम्ड आइकन का जो ऑप्शन है उसको आपको होम स्क्रीन एंड ऐप ड्रॉवर को क्लिक कर लेना है। तो इससे काम आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके जो विजेट्स हैं वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर कमाल के देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है, विजेट्स पे जाना है और ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर क्लोक है वो सर्च करना है। जैसे आप लोग क्लोक को ओपन करोगे, ये तो रियलमी UI की हो गई, ये गूगल की UI हो गई। तो ये वाली क्लोक है वो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 आप लोगों को क्लोक फेस है वो मिल जाएंगे। तो सेकंड वाला ज़्यादा सही लग रहा है, तो ये हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। और एक बात आप लोगों ने नोटिस करी होगी, इसके अंदर भी आप लोगों को मटेरियल यू डिज़ाइन के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो वॉलपेपर को आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि एंड्रॉइड 14 अपडेट के अंदर हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कर लिया है सिलेक्ट, और जैसे कि मुझे ये वाला काफ़ी सही लग रहा है तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अप्लाई। तो होम स्क्रीन पे मैंने इसको कर लिया है अप्लाई, और जो हमारी लॉक स्क्रीन है वहाँ पर हम लोग दूसरा जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट। तो जैसे कि दिखने में ये थोड़ा सही लग रहा है, तो इसको मैंने कर लिया है सिलेक्ट, और कर लेते हैं हम लोग इसको लॉक स्क्रीन पे अप्लाई। अभी आप लोग देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने वॉलपेपर चेंज किया है ना, तो जितने भी आइकन्स हैं उन सभी के जो यहाँ पर कलर है वो चेंज हो चुका है। और यार ये वाला जो फोल्डर कितना कमाल का लग रहा है, फोल्डर पीछे है जो आइकन्स हैं उनका इंटरफेस आपको ऊपर की साइड मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी हम लोगों ने जो क्लोक विजेट अप्लाई किया था उसका भी कलर चेंज हो चुका है, और ऐप ड्रॉवर के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, तो जितने भी अप्लीकेशन है सभी के कलर्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब हम लोग एंड्रॉइड 14 अपडेट का सेटअप कर रहे हैं, तो गूगल का जो सर्च इंजन है उसको कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले ये जो नॉर्मल वाला आप लोगों को विजेट मिलता है ना, इसको आप लोगों को हटाना है। इसको हटाने के लिए होम स्क्रीन को ओपन करना है, यहां पर आपको होम सेटिंग को ओपन करना है, डॉक पे आप लोगों को क्लिक करना है, और जो शो सर्च बार का ऑप्शन है उसको आप लोगों को यहां पर रिमूव कर देना है, ताकि ये यहां से रिमूव हो जाए। अभी आपको मैंने एक एप्लीकेशन है वो बताई थी, वो आप लोगों ने यहां पर इंस्टॉल कर ली होगी, तो उसके लिए आप लोगों को होम स्क्रीन पे प्रेस करके रखना है, विजेट को ओपन करना है, और आपको यहां पर गूगल है वो सर्च करना है। तो सॉरी गाइज, आपको यहां पर गूगल सर्च
सर्च नहीं करना है, पिक्सल है वो आपको सर्च करना है। तो पिक्सल सर्च आप लोग जैसे करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस विजेट पर क्लिक करके रखना है और सबसे नीचे आप लोग इसको यहाँ पर रख सकते हो या फिर सबसे ऊपर भी आप लोग इसको यहाँ पर रख सकते हो। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से सेटअप कर लेना। अब इसका जो बेस्ट चीज है वो आपको ये मिलती है, जैसे आप लोग इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो छोटा सा सेटअप है वो आपको करना रहेगा, वो आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। अब जैसे कि मैंने इसको ओपन किया है और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा कुछ भी एक नई चीज, जैसे कि क्लॉक है वो मैंने सर्च किया है, तो सबसे पहले तो मेरे डिवाइस के अंदर जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। सेकंड, यहाँ पर जो आप लोग सर्च करना चाहते हो, जो आप लोगों को रिलेटेड जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही में हमारी जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसका नेम क्लॉक से स्टार्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पर मिल चुकी है। और आपको यहाँ पर ढेरों सारे ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, जैसे कि गूगल, क्रोम, YouTube, मैप्स और भी बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। मुझे हमेशा से यहाँ पर Google की जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर पसंद है, क्योंकि जो Realme UI है उसका आप लोगों को इंटरफेस कुछ ऐसा मिलता है, या फिर कलर OS कह सकते हो या फिर ऑक्सीजन OS कह सकते हो। वहीं आप लोग ओपन करोगे Google की कैलकुलेटर एप्लीकेशन तो ये आपको काफी ज्यादा सिंपल मिलती है, इसका इंटरफेस आपको काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का देखने को मिलता है, जैसे कि 900 और भी आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छे इसके अंदर टेक्स्ट है उनकी क्वालिटी है वो मिल जाती है। सो इसको ट्राई कर सकते हो। अभी हमारी जो लास्ट वाली एप्लीकेशन है वो आपको मिलती है रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डर हमारे डिवाइस के अंदर ऑलरेडी दो है, एक तो है कलर OS का और सेकंड है हमारा यहाँ पर गूगल का। इसके अंदर आपको एक बेस्ट चीज है वो ये मिलती है कि जो चीज आप लोग रिकॉर्ड करोगे ना वो चीज है वो रिकॉर्ड तो हो जाएगी, साथ ही में जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसके अंदर भी आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो यार इंग्लिश हम लोगों को इतनी आती है तो इतना ही मैंने यहाँ पर बोला है। अभी आप लोग जैसे इसको पॉज करोगे, कर दोगे यहाँ पर सेव, तो जैसे आप लोग इसके अंदर जाओगे और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग खुद एक बार यहाँ पर ट्राई कर सकते हो आगे। तो यही था इस वीडियो के अंदर, तो बताना एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये वाला जो सेटअप है वो आप लोगों को कैसा लगा। और यार वीडियो को प्लीज लाइक करना, और कभी नहीं बोला है कि वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करना वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।